आप अपने मोबाइल पे जो जो एक्टिविटी करते हैं फेसबुक पे या अपने मोबाइल पे वो स्टोर होती है। इवन फेसबुक को जब आप ऑफ भी कर देते हैं फिर भी फेसबुक आपकी मोबाइल की अदर एक्टिविटी स्टोर करता है। जो जो ऐप आप यूज करते हैं उसके ऊपर जो जो एक्टिविटी करते हैं मैं आपको बताता हूं। आप इसका डेमो देखिए कि आप ये क्लिक करेंगे अपनी इसकी फेसबुक की सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे, उसके बाद आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए कि इसके अंदर डिफरेंट जो है ऑप्शंस हैं आपकी फेसबुक के हवाले से। इसमें आप योर फेसबुक इंफॉर्मेशन में ऑफ फेसबुक एक्टिविटी इस पे क्लिक कीजिए। आप ये देखें कि जितनी भी एप्स आपने यूज की होंगी अपने मोबाइल पे, इवन आपके बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन, अगर आपने ऑनलाइन कोई अकाउंट यूज किया है उसकी भी इंफॉर्मेशन फेसबुक अपने पास स्टोर रखता है। और ये इंफॉर्मेशन फेसबुक इसलिए स्टोर रखता है कि वो आपके पास जो पॉपअप्स आते हैं, जो एडवर्टीजमेंट आती है, वो इसकी वजह से आती है। यानी सिर्फ फेसबुक की वजह से नहीं, टोटल मोबाइल के यूजर की हिस्ट्री वो अपने पास सेव रखते हैं और ये आपकी इजाजत से होती है। आप इसमें क्लियर हिस्ट्री कर दें तो ये हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप मोर ऑप्शन पे क्लिक करें, मैनेज फ्यूचर एक्टिविटी, और उसके बाद मैनेज फ्यूचर एक्टिविटी इसको आप ऑफ कर दें अपने मोबाइल पे जाके, तो दोबारा से आपकी ये एक्टिविटी फेसबुक के पास स्टोर नहीं होगी। ये इतना बड़ा लीक है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कि आप अपने मोबाइल पे जो जो ऐप यूज करते हैं और उसके ऊपर जो जो एक्टिविटी आप करते हैं मोबाइल के ऊपर वो सारी फेसबुक के पास जाके स्टोर होती है। तो इसको ऑफ करने के बाद वो चीज आपके मोबाइल में फेसबुक के पास स्टोर नहीं होगी जाके।